कोरोना वायरस के प्रकोप की मार झेल रहे भारत के सामने इस समय पलायन एक गंभीर संकट बनकर खड़ा हो गया है। लॉकडाउन के बावजूद सैकड़ों की संख्या में मजदूर अपने गांवों की तरफ भाग रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्यों सरकारों को निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन का पालन करवाना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसपी की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार ने अपने आदेश में कहा कि सभी राज्यों और जिलों की सीमाएं सील कर दी जाएं और बाहर से आने वाले लोगों को सीमाओं पर ही कैंपों में रखा जाए, काम करने आने वाले मजदूरों के रहने का इंतजाम किया जाए और उनको समय से भुगतान किया जाए। ऐसे मिले आदेश न मानने वालों पर भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी। केंद्र ने ये भी निर्देश दिए हैं कि पलायन पर आमादा मजदूरों के लिए उनके कार्यस्थल पर ही सारी सुविधाएं जुटा कर देनी हो। इसमें मजदूरों के वेतन भत्ते भी शामिल हैं। बता दें कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का फैसला किया, लेकिन शहरों से लोगों के पलायन के चलते ये लॉकडाउन फेल होता दिखा। शनिवार से दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में भारी भीड़ देखी गई। वहीं कई लोग पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए निकल पड़े। PM News 24 की रिपोर्ट।